आत्मा अजर अमर है, मरता तो सिर्फ शरीर है। अच्छे संस्कार ही आत्मा का सारथी होता है और यही आत्मा के साथ जाता भी है। अच्छे संस्कार माता पिता और गुरु से मिलते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे भाई शिवदीन सिंह यादव, जो कि दया, क्षमा, प्यार, करुणा और त्याग से परिपूर्ण, जिन्होंने समाज, घर, परिवार की सेवा करते हुए बेदाग उपनिरीक्षक के पद से एसीपी तक का सफर तय किया। हरियाणा के जिला रेवाड़ी में स्थित ग्राम नंदरामपुर बास, जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जहां आय का मुख्य स्रोत खेतीबाड़ी और पशुपालन है। इसी गांव के मुखिया श्री हुकुम चंद यादव, जो मिलनसार, मृदुभाषी, कुशल व्यवहार और आत्मीय गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व थे, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रामप्यारी, जो धार्मिक स्वभाव की थी, कि यहां शिवदीन सिंह यादव का 5 अगस्त 1945 में जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। मां रामप्यारी, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बचपन में ही मां का साया जाता रहा, लेकिन पिता श्री हुकुम चंद यादव ने मां तो नहीं लेकिन मां जैसा ही प्यार बच्चों को दिया और देखभाल की, जिसके चलते भाई शिवदीन यादव ने आगे की पढ़ाई रेवाड़ी के अहिर कॉलेज में की। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद से बेहद लगाव होने के कारण वो समय समय पर बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ट्रैकिंग और एनसीसी कैंप में भाग लेने के साथ साथ वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रहे। शिवदीन सिंह यादव अपने सरल स्वभाव और कुशल व्यवहार के चलते सबको जल्दी ही अपना मित्र बना लेते थे। रामकिशन यादव और विक्रमजीत सिंह, जो आज कर्नल पद से सेवानिवृत्त हैं, कॉलेज में उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि उनके अच्छे दोस्त बन गए। इन्हें ये संस्कार अपने माता पिता से विरासत में मिले थे, जिसके चलते उन्होंने कॉलेज के भाईचारे की डोर में सबको बांधा और पहली बार कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े और विजयी रहे। मैं और सोदीन सिंह साथ ही पढ़ते थे, अहिर कॉलेज रेवाड़ी में हम पढ़ते थे, तब से पढ़ते थे, तभी से इनके दिल में गरीबों के प्रति हमदर्दी की भावना होती थी। मुझे एक बार का घटना याद है कि एक लड़के को किसी बदमाश टाइप के लड़के ने पीट दिया। वो सोदीन सिंह के पास रोते हुए आया, मुझे ऐसे ऐसे गलत पीटा। तब उस लड़के को पकड़कर उससे माफ़ी मंगवाई और उस दिन के बाद से हमने समझा भी ये आदमी बहुत ही अच्छा है, और हमारी और उनकी दोस्ती बड़ी अटूट हो गई। अहिर कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद शिवदीन सिंह यादव की पहली पोस्टिंग बतौर उपनिरीक्षक दिल्ली के पहाड़गंज थाने में सन 1967 में हुई, और उनकी कार्यकुशलता, ईमानदारी और पब्लिक डीलिंग को देखते हुए अगली पोस्टिंग 1976 में एसएचओ के पद पर राजेंद्र नगर में हुई, और यहां भी उन्होंने अपने विनम्र, हंसमुख और कुशल व्यवहार के चलते पुलिस और जनता के बीच भाईचारे का रिश्ता कायम किया और पुलिस और पब्लिक के बीच का फासला कम किया। स्टाफ के साथ साथ पब्लिक का भी मन मोह लिया। बेहतरीन पब्लिक डीलिंग को देखते हुए शिवदीन सिंह यादव को एसएचओ राजेंद्र नगर, पटेल नगर, चांदनी चौक, जनकपुरी, एसएचओ मोती नगर तैनात किया गया। यहां भी अपनी बेहतरीन सूझबूझ और ईमानदारी से कार्य करते हुए क्राइम रेशियो को नियंत्रित किया। मेरा एसोसिएशन बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं पहले दिन दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था सन 85 के अंत में, तो पहला जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो मुझे शिवदीन सिंह यादव साहब ही मिले थे। वो उन दोनों एसएचओ थे मोती नगर के, और मैं अंडर ट्रेनिंग था, और मैंने अपने ज़िंदगी में पहली पेट्रोलिंग जो है वो उन्हीं के सौजन्य से मैं सीखा,
उन्हीं की गाड़ी में मैंने सीखा। यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, यहाँ झुग्गियाँ थी, उन झुग्गियों को लेकर मैं गरीब लोगों को लेकर पटेल नगर SHO से मिलने आया। मैंने देखा एक सीट पे बैठा हुआ एक स्मार्ट सा लड़का, बड़ा खूबसूरत, जिसका नाम शोधिन सिंह यादव था। जो समस्या इतनी पुरानी चलती आ रही थी, उस आदमी ने एक घंटे के अंदर सारे ऑफिसर्स को बुलाकर उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया, कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग करी, उन गरीब आदमी का भला कर दिया। आज वो सब लोग पांडव नगर के नाम से बसे हुए हैं, पांडव नगर में बसे हुए हैं, वो सब ये शोधिन सिंह यादव की देन है। शोधिन यादव जी जो हमारे यहाँ 1981 से 82 में यहाँ SHO रहे हैं, तो उनका काफ़ी लोग जिक्र करते हैं उनके अच्छाई का, और काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी थे और बहुत ही भले और इंसान थे। और उसके अलावा यहाँ हम भी महकमे में काफ़ी दिन हो गए हैं, तो शोधिन यादव जी का नाम रहा है, सीजन अफसर रहे हमारे। बड़े ही मिलनसार, पब्लिक को कोऑपरेट करने वाले, हार्ड वर्किंग, पुलिस वर्क में माहिर पुलिस अफसर रहे हैं। पब्लिक में बड़ा अच्छा उनका प्रभाव था, वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। लोग मुझे मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही काबिल, नेक इंसान थे। गाँव के लिए, देहात के लिए, किसान के लिए जो सोच उनके दिल में थी, वो मुझे किसी और पुलिस अधिकारी के दिल में आज तक नहीं दिखी। हम सब भाइयों को उन्होंने परिवार को जोड़ने में, सबको पढ़ाने में पूरा प्यार सहयोग दिया है। उनके कॉलेज के दोस्त प्रोफेसर रामकिशन यादव की दोस्ती ऐसी परवान चढ़ी कि रामकिशन ने अपनी बहन कृष्णा यादव के विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा, और सन 1971 में दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। शिवदीन सिंह यादव ने अपने परिवार, गांव, समाज के प्रति बराबर जिम्मेदारी का ख्याल रखा और अपने सभी भाइयों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि भाई शीशराम और भाई राजाराम ACP दिल्ली पुलिस के पद से सेवानिवृत्त हुए। When I come close to the family, I realized that he was not a police officer, but he was a humble soul with a very soft person, and the person who can really look after you very well and look after the family very well. And he was the man of promise. He, whatever he said, whatever he promised, he used to fulfill it up. अच्छे इंसान थे और काम के जानकार, लोग उनसे टाइम टू टाइम जब उनको ज़रूरत पड़ती है, पुलिस डिपार्टमेंट को परेशानी आती है, तो हम लोग भी उनसे कभी सलाह मशवरा कर लेते हैं और बहुत अच्छी सलाह देते थे। ला पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सेवा भाव से, चाहे सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, उन्होंने किसी को कुछ नहीं समझकर सबको एक साथ जोड़कर एक पटेल नगर में ऐसा सिस्टम बना दिया, और आज भी पटेल नगर इकट्ठा उन्हीं के नाम को याद करता है। बहुत ही अच्छे आदमी, बड़े ही सहनशील, हंसमुख प्रकृति के थे। इतनी शिद्दत से किसी की मदद करना, ये उनके व्यक्तित्व का एक अद्भुत और अनुकरणीय पहलू है, जो मैं समझता हूँ हम सभी को निभाना चाहिए, देखना चाहिए और उनसे इस बारे में प्रेरणा लेनी चाहिए। और सूबे सिंह को दिल्ली पुलिस, सुमेर सिंह गवर्नमेंट जॉब, और सबसे छोटे भाई सुरेन सिंह गांव में खेतीबाड़ी का काम करते हैं। भाई शिवदीन सिंह यादव कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे और समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहे और उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। सन 1987 में थाना मोतीनगर SHO पद से प्रमोशन के बाद ACP पटेल नगर तैनात हुए और इस पद पर रहते हुए बखूबी जिम्मेदारी निभाई और ACP तिलक नगर, ACP पंजाबी बाग और ACP राजौरी गार्डन रहे। दिल्ली पुलिस के इतिहास में एक ही डिस्ट्रिक्ट के चारों सब डिवीजन में 3-3 साल का रिकॉर्ड कायम किया, और इसके चलते उन्हें सन 1998 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड से नवाजा गया। कई बार अवार्ड मिले, प्रेसिडेंट मेडल से उन्हें नवाजा गया, जगह जगह उनके स्वागत हुए, सीनियर अफसरों का सारों का साथ रहा। कभी कभी जब मैं भी परेशान हो जाता था, तो एक जैसे कि बड़े को बोलना चाहिए, बोलते थे कि साहब आपके लायक नहीं है गुस्सा करना, तो मुझे उनका बड़ा ही सौम्य सा उनका चेहरा था, हर समय चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती थी। राव शिवदीन सिंह
हमारे बहुत ही चहेते और सम्माननीय पुलिस अधिकारी थे दिल्ली पुलिस के। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना समर्पित, इतना कर्तव्यनिष्ठ और इतना हंसमुख पुलिस ऑफिसर दिल्ली पुलिस में कोई नहीं देखा। शौदिन सिंह यादव साहब भी यहाँ एसीपी सब डिवीज़न रहे हैं और लोग मेरे 6-7 महीने में काफ़ी आदमी मिले हैं जो उनको बताते हैं कि भाई बड़े मिलनसार थे। मैं भी पर्सनली जानता हूँ क्योंकि उनके छोटे भाई हमारे बैचमेट हैं राजा राम यादव जी। शिवदीन सिंह यादव घूमने के बेहद शौकीन, जब भी उन्हें छुट्टी मिलती वो पूरे परिवार को घुमाने ले जाते। उन्हें नई जगह घूमना और उनके कल्चर के बारे में जानना और उनसे कुछ सीखना उनका पैशन था। उन्होंने कुल्लू मनाली, वैष्णो देवी, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और अनेकों बार अमरनाथ की गुफा की यात्रा की। शिवदीन सिंह यादव को जानवरों से बड़ा लगाव था। पक्षियों को दाना डालना, कुत्तों के लिए खाने के इंतजाम के साथ साथ उनके शेल्टर का इंतजाम करते रहते थे। एसएचओ से एसीपी तक के सफर में उनकी पत्नी कृष्णा यादव का अहम रोल रहा है। वो सिर्फ एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र की तरह सुख दुख में साथ रही। बच्चों के देखभाल के साथ साथ परिवार को प्यार की डोर में बांधे रखा और समय समय पर उनका मनोबल बढ़ाती रही। सन 1996 में बेटी की शादी के समय अपनी 25वीं शादी की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई। बेटी अनुप्रिया, आईपीएस अधिकारी रितेश कुमार जो वर्तमान समय में आईजी कोल्हापुर के साथ सेटल हैं, और बेटा अनुपम श्रुति के साथ अमेरिका में वेल सेटल्ड है। भाई शिवदीन सिंह यादव को कोई बुराई छू नहीं पाई। एसएचओ से एसीपी तक जनता की सेवा करते हुए बेदाग रहे और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहने के साथ साथ राजौरी गार्डन में लोगों के साथ मिलकर राजौरी क्लब बनाया और उसके प्रेसिडेंट भी रहे। आज उस क्लब में 3000 मेंबर हैं। जीवन के अंतिम दिनों में बीमार हो गए थे लेकिन उन्होंने किसी को महसूस नहीं होने दिया। वही हंसमुख चेहरा, वही भाव, वही मुस्कुराहट। कहते हैं सबकी मंजिल एक है, जाना पड़ेगा और यही जीवन का सत्य है और यही सबसे बड़ा रहस्य भी है। 8 जनवरी 2015 शाम 4 बजे अपने आराध्य देव शिव को याद किया और चल पड़े उस मंजिल की ओर जहां कभी अंधेरा नहीं होता। भाई शिवदीन सिंह यादव आज भी हम सबके दिलों में हैं। उन्हें मेरी श्रद्धांजलि और इस समाज की श्रद्धांजलि जितनी भी हो, जितनी भी हम अपनी भावनाएं उड़े लें, मुझे लगता है वो कम है। मेरी तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनके परिवार को उनके तरफ श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। मैं ईश्वर से कामना करता हूं उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पूरे परिवार को हिम्मत दे। मैं अपनी तरफ से उन्हें पूरी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। द होल मेहंदी रता फैमिली एंड आवर फैमिली पेज कंडोलेंस टू सच अ ग्रेट मैन एंड मे गॉड ब्लेस हिम फॉर एवर वेर एवर ही इज ही मे रिमेन इन पीस एंड ही बिकम अ फादरली फिगर टू मी। And till date, I think I will always respect him, I will always love him, and I always pray to God, let him rest in the, his soul in your feet. Parampita Parmeshwar se meri prarthana hai ki mere bhai ko apne charno mein sthan de, yahi meri unse sabse badi sardhanjali hai. Wherever he is,
I know he's in a better place, and we all pray for his soul. May his soul rest in peace. अपनी श्रद्धांजलि फिर से अर्पित करता हूँ. जय हिंद.